भगवान सुधीर के, कौन कहां से? मैं कोरबा जिले छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ महाराज। क्या शुभ नाम है? नरेश कुमार जायसवाल। नरेश। नरेश नरेश। बोलिए, तारीख बताइए। 26/3/1976। 1976। समय 2:10 और हुआ हूँ मैं। यूपी का जन्म है क्या? नहीं, उड़ीसा। 2:10 सुबह उड़ीसा में कहाँ? पनाईगढ़। पनाई। पनाईगढ़ नाम। इसकी स्पेलिंग क्या है? BOLALGARH। बी, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। BONALGARH। आपकी कुंडली अगर सही है जी, तो आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। सही है कि गलत? सही बात है महाराज जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो धन नहीं टिकता, ये वरदान है आपको। सही है कि गलत? सही बात है महाराज। आपकी कुंडली अगर सही है और जानकारी में हो तो आपके घर के सामने उल्टे हाथ तरफ कोई एक व्यक्ति रहता है जो जुआ पत्ते शेयर सट्टा लॉटरी इनका बड़ा शौकीन व्यक्ति है, जानते हैं क्या? सही है कि गलत? ये तो उतना मतलब नहीं रखते महाराज। तो कोई बात नहीं, अब आपसे हम वो पूछते हैं जिन बातों से आप मतलब रखते हैं। 2017 के बाद से 2020 तक का समय बहुत ही खराब रहा, सही है कि गलत? एकदम सही महाराज, एकदम सही महाराज। चरण वंदन महाराज, भगवान सुखी रखे। दूसरी बात, आपके घर में अंदर जाइए, उल्टे हाथ तरफ देखिए, अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर दीवार पर कोई मरे हुए व्यक्तियों की फोटो लगी है, जैसे दादा दादी नाना नानी कोई मामा चाचा कोई बुजुर्ग जो भी निकल गए हो दुनिया से, उनकी फोटो लगी है बाएं हाथ तरफ? नहीं नहीं लगी। यहाँ कुंडली ये बताती है कि आपके घर में कोई बुजुर्गों की फोटो ऊंचाई पर है और उसके ठीक सामने गणेश जी की फोटो और कोई दाढ़ी वाले संत साधु फकीर कोई उनकी फोटो जो हाइट में नीचे है। तो क्या ऐसा है आपके यहाँ? क्या पूजन घर में है ऐसा या ऊपर है, कहाँ है? देखिए, गणेश जी का लगा है महाराज जी। नहीं, पर गणेश जी की फोटो हाइट में नीचे दिखाई दे रही है। अच्छा, और उसी कमरे में या वहीं देखिए ऊंचाई पर कोई सामने तरफ कोई बुजुर्गों की किन्हीं नेताजी की किसी की तस्वीर लगी है क्या? नहीं, उसे तो नहीं लगी हुई। गणेश जी की लगी है? नहीं, गणेश जी की तो है पर हाइट में नीचे है। अब आप ये बताइए, मकान में अंदर जाइए, सीधे हाथ तरफ देखिए जी, सीधे हाथ तरफ देखिए तो यहीं पर कुछ पेपर कुछ ग्रंथ किताबें कुछ रखी हैं, सही है कि गलत? किताबें होंगी कुछ पेपर होंगे। और वहीं पर सुई धागा रखने का डब्बा भी रखा है, देखिए। सुई धागा, हाँ ठीक बोल रहे हैं। सही बात है, गलत है? सही बात है। तो कुंडली बिल्कुल सही है। अब इस समय आपको धन की चिंता सता रही है, प्रभाव में कमी आ रही है, मन चिड़चिड़ा हो रहा है, नींद कम हो रही है, यही प्रश्न हो सकते हैं। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मेरे को मानी की 2017 से मानी की ब्रेन में मेरा प्रॉब्लम है। ब्रेन में प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो गठान है बताते हैं, उसके नाम से मेरे को मिर्गी टाइप का झटका आता है महाराज जी। और 2017 से ये चालू हुआ है जो देव। अगर इसको हम परसों 11 बजे तक ठीक कर दें तो?
तो कर दीजिए माफ गुरुदेव। तो आप एक काम करिए जी, एक रुपए नहीं लगेगा, पानी घर में होता है साफ शुद्ध जल लीजिए, रविवार की रात्रि में स्टील के लोटे में सिरहाने एक लोटा जल रख दीजिए, समझ रहे हैं आप? जी बताइए महाराज। स्टील के लोटे में कटोरी से ढककर एक लोटा साफ सुथरा जल रखना है सिरहाने तरफ, जहां आप तकिया रखते हैं जी, ये रविवार की रात्रि में रखना है जी। और सोमवार के दिन सवेरे उठकर वह जल किसी कांटेदार झाड़ में, गुलाब है, बबूल है, बेरी है, किसी भी कांटेदार झाड़ की जड़ में डाल देना है आपको जी। एक उपाय करना है जी। दूसरी बात, आपको एक चांदी में मोती धारण करना है जी, तो आप ठीक हो जाएंगे जी। इतनी कुल बात है जी। अभी अभी आपको पर हाँ बोलिए बोलिए, आपको धारण करना है तो किसी भी उंगली में पहन लीजिए, उंगली सारी उंगली आप ही की है जी। हमारी एक आदत है कि हम भ्रम नहीं फैलाते, हमसे चार लोग जुड़े लेकिन हम उनको संतुष्ट करते हैं, और यही हमारी कोशिश रहती है कि आप सुखी हो जाएं। ठीक है सुनिए ना गुरुदेव, मेरे काम धामी कर रहा है, उधर मैं दे रहा हूँ। नहीं देखिए, इस समय आप कर्जे के शिकार होंगे, कर्जे तो नहीं है लेकिन आवक भी नहीं है मेरा। हाँ अब थोड़ा रुक जाइए, कर्जे की स्थितियां बन रही हैं, तो आप सावधान रहिए कि कर्ज मत लीजिए, सावधान रहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आपने मिट्ठू तो नहीं पाल रखे हैं, तोता, चिड़िया, परिंदे, ऐसा कुछ 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 नहीं है, इनसे आप दूर रहिएगा। ठीक है, आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रही है, बात सही है, नसें कहीं ना कहीं दब रही हैं, तो आप एक काली गाय को बुधवार के दिन चारा खिलाया करें, काली गाय और मिर्गी के लिए भी हमने YouTube में अपने भविष्यफल चैनल में शॉर्ट वीडियो के रूप में ढेर सारे वीडियो डाल रखे हैं, जिनमें मिर्गी के ऊपर भी हमने बोला है, उनका भी सहारा आप ले सकते हैं, तो आप सुखी हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि आपके घर में अंदर जाकर सीधे हाथ पर आपकी जो बाधा बता रहे हैं, जो परेशानी का कारण बता रहे हैं, आपके घर में अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ एक अंधेरा सा स्थान है, अंधेरा स्थान जहां पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था कभी नहीं रहती जी। सही है कि गलत? सही है। यहां पर कुछ रखा है मेरे ख्याल से, तो यहां कोई तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, तामे का गघरा, तामे की प्लेट कुछ है क्या? नहीं तो देखना पड़ेगा, लेकिन आप देख लीजिए अगर तामे से संबंधित यहाँ कुछ है, मेरे ख्याल से तो है, आप देख लीजिए यहाँ पर तामे का अगर कुछ रखा है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तांबा होना आपके लिए बहुत घातक है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लास्टिक की हरी पत्तियों के गुलदस्ते रखे हैं, जैसे प्लास्टिक की जो बनावटी पत्तियां आती हैं, अब बाजार से अपन ले लेते हैं, अब वो बेकार हो गई पड़ी हैं कहीं, क्योंकि बच्चे शौक में ले तो लेते हैं, दो चार दिन उसको संभालते फिर फेंक देते हैं, तो क्या ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ हो सकता है? देखना पड़ेगा महाराज, मेरे हिसाब से तो नहीं है। देख लीजिए, अगर ये दो चीजें हैं तो इन दोनों को हटा दीजिए जी, तो आप सुखी हो जाएंगे। तो मेरे को महाराज जी बताते हैं कि ट्यूमर है, बोलते गठान है बोलते हैं, उसी के नाम से मेरे को मिर्गी का झटका आता है, बताते हैं। आप एक पांच कर सकते हैं क्या, 45 दिन तो गारंटी हमारी ट्यूमर अपने आप डायलॉट हो जाएगा, हमारे अनुभव क्या हुआ आपको आपको बता रहे हैं। हमने रायपुर में 2016 में जनवरी में बहुत बड़ा यज्ञ किया,
सिर्फ निर्माण हम कर रहे हैं 101 जिसमें 10 हो चुके हैं जी। वहां से बुकिंग हो गई तो हम लोग चले गए फरवरी में, हमने यज्ञ किया दुर्ग में पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में जी। वहां से यज्ञ करके लौटे तो हमने देखा कि हमारी माता जी की एक आंख सूजी है, उनको क्रॉनिकल पुराना ट्यूमर बताया डॉक्टरों ने जी, क्योंकि 70-75 साल की थी, माता राम अच्छी हैं। फिर आपको क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा इमीडिएट ऑपरेशन करो, हमने कहा वो टेबल से ही जीवित नहीं लौट पाएंगी हमें मालूम। हमने उनके लिए संकल्प करके गीले वस्त्र पहनकर एक हनुमान बाहु का 45 दिन पाठ किया और एक प्रयोग और किया जी। वह ट्यूमर अपने आप डायलॉट हो गया, माता जी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आज भी वो 2-2.5 घंटे पूजन करती हैं, खुद नहा लेती हैं, अपने वस्त्र धो लेती हैं, चलती फिरती हैं, कोई तकलीफ उनके शरीर में नहीं। आप गीता पेज गोरखपुर का हनुमान बाहुक ले लीजिए, या हो सकता है 2-4 दिन में हमारे पास समय मिल जाए तो हम ही उसे बनाकर अपलोड कर दें, तो आप उसे सुन सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ रोजाना शुरू कर दीजिए मंगलवार से। हनुमान बाहुक हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर का हनुमान बाहुक, ट्यूमर अपने आप डायलॉट हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा अनुभव। और ये जल वाला प्रयोग करिए तो मिर्गी से आपको और अनेक तकलीफों से राहत मिल जाए। ठीक जी जी। और सुनिए महाराज जी, क्या बोलते हैं, अभी मैं नया बिजनेस सोच रहा हूँ। किस चीज का? वो फ्लाई एज ब्रिक्स मशीन बैठाने का। क्या है ये? जो राकड़ पेंट बनाने का। अच्छा, ब्रिक्स ब्रिक्स जी जी हाँ हाँ। तो सफलता कैसे मिले, क्या है अभी? हाँ कर लीजिए, ठीक रहेगा, कोई है ठीक कर। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं दयाशाल जी? अरे गुरुदेव आपको धन्य है, गुरुदेव मैं तो भगवान है। चलिए आपको संतुष्टि हुई, अब आप ऐसा करिए इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो, क्योंकि और लोगों को जोड़िए, क्योंकि भविष्य में कोरबा में एक यज्ञ करने की प्लानिंग चल रही है। वहाँ बहुत लोग जुड़े हैं कोरबा से, उन लोगों की इच्छा है कि शिवलिंग निर्माण का एक कार्यक्रम किया जाए, तो आएंगे, तो हो सका तो आपको समय होगा तो भेंट जरूर होगी। अरे नहीं गुरुदेव, आपको समय चाहिए, हमारे तो समय चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। पानी को सर कितने रखना है जैसे? वो 45 डेज, 45 दिन, 45 दिन और 45 कांटेदार झाड़ में छोड़ दीजिए, ठीक है। और कोई असुविधा हो तो व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, हमारा नंबर है ना 9303994355। भगवान कृपा रखे, इसे शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक पहुंचाइए, जिसमें दूसरों का भी भला हो। देखिए जन्म कुंडली सब कुछ बता देती है। आज का जो विषय हमने